नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान भोलेनाथ क्यों लगाते हैं अपने शरीर पर भस्म। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवान शंकर के शरीर पर भस्म रमाने की धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि शिव मृत्यु के स्वामी हैं और शिव जी शव के जलने के बाद बची हुई भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि यह हमारा शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। भस्म भगवान शंकर का प्रमुख वस्त्र है। शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। वहीं भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। अब जानते हैं शिव पुराण की वो कहानी जिससे पता चलता है कि भगवान शिव क्यों लगाते हैं अपने पूरे शरीर पर भस्म। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा विष्णु और महेश की भूमिका के बारे में हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी को संसार के रचिता, विष्णु को पालनहर्ता और महेश यानी भगवान भोलेनाथ को संसार के विनाशक के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें भगवान शिव की, तो विनाशक होने का अर्थ संसार को समाप्त करने से नहीं बल्कि संसार के सृजन से है। यानी धरती पर जब जब पाप की वृद्धि होती है, भगवान शिव धरती के सभी जीवों का विनाश करके एक बार फिर से नए संसार के सृजन का मार्ग खोल देते हैं। वहीं बात करें भगवान शिव के भक्तों की, तो शिव के भक्तजन इस संसार की मोह माया से विरक्त होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वे शिव के द्वारा धारण किए जाने वाले इस प्रतीक के प्रति भक्ति का भाव रखते हैं। दूसरी ओर शिव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हर प्रतीक के पीछे एक रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि शिव की पूजा में राग या भस्म का प्रयोग भी किया जाता है। साथ ही शिव भक्त भी राग को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे के महत्व को जानते हैं? वास्तव में शिव पुराण में इस संबंध में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार जब माता सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनकी मृत्यु का संदेश पाकर भगवान शिव क्रोध और शोक में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वे अपनी पत्नी के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्री हरि ने शिवजी के इस दुख एवं उत्तेजित व्यवहार को देखा, तो उन्होंने शीघ्र से शीघ्र कोई हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी के मृत शरीर का स्पर्श कर इस शरीर को भस्म में बदल दिया। हाथों में केवल पत्नी की भस्म को देखकर शिवजी और भी चिंतित हो गए। उन्हें लगा वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अपनी पत्नी से अलग होने के दुख को शिवजी सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में उस समय भस्म के अलावा कुछ और नहीं था। इसलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की अंतिम निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। दूसरी ओर एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान शिव ने साधुओं को संसार और जीवन का वास्तविक अर्थ बताया था, जिसके अनुसार राग या भस्म ही इस संसार का अंतिम सत्य है। सभी तरह की मोह माया और शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर ही मोक्ष को पाया जा सकता है। तो ये थी भगवान शंकर और उनसे जुड़ी भस्म की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए
देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।